नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। त्रवासी में आज एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतकों के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामला यूपी के श्रावस्ती जिले के थाना कोतवाली भिनगा के संभार पुरवा गांव का है, जहां पर बिट्टा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही मृतका का मायके वाले इस उत्पीड़न और दहेज हत्या का नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 9 वर्ष पूर्व मृतका की शादी हुई थी और उसके 5 बच्चे भी हैं। आज सुबह जब घर वाले उसके कमरे में गए तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी मिली, लेकिन मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि मृतिका बिट्टा का पति उसको प्रताड़ित करता था और 50,000 रुपये और गाड़ी की मांग करता था। मायके वालों को बताने पर उसे मारता पीटता था। वहीं आज उसने बिट्टा को इतना मारा कि वह मर गई। फिलहाल पुलिस ने मायके वालों के तहरीर पर मामला दर्ज कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में जुट गई है। अब यह उलझी हुई गुत्थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी कि ये मौत थी या हत्या। के लिए आपके लड़की को, ननंद को बलि चढ़ा दिया गया, क्या है पूरा मामला, कौन वो लोग हैं? वो लोग दहेज मांगत रहे कि दहेज दो, गाड़ी दो, तब गुजर बसर करो भी तो ना कर भाई, तिलाक दे दे भाई। तो हमसे कहा नहीं गुजर बसर करो भी किया इससे भी ना कर भाई। और मार के रात में कपड़ा घूर के मुँह में मार आ रही थी। दहेज के लिए मारी नहीं, हमारी बहन का गाड़ी मांगत रहे और 50,000 रुपया मांगते हैं और दूसरे से नेटर रहा, इसीलिए मार बहाई देने। जानकारी आप लोगों को कब मिली, कैसे मिली? जानकारी मिली है जैसे यहाँ से जब सनेश गया है महरू से, तब वहाँ से फोन आया है चक्कर मोबाइल पर, तब हम लोग जानकारी पाए हैं। इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? जानकारी पुलिस को दी।